अबोहर कांड नूं लै के दलित युवा दल वालों पंजाब सरकार के विरोध एक रैली कढ के पंजाब सरकार का पुतला फूकया गया। इस दौरान उन्हां पंजाब सरकार खिलाफ जम के नारेबाजी की। इस मौके दलित युवा दल पंजाब के प्रधान अनिल भागा ने कहा कि दलित समाज खिलाफ दिन प्रतिदिन जात के आधार से गैर मनुखी अपराध वधदे जा रहे हैं जो कि बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। उन्होंने कहा कि शिवलाल डोडा इस हत्याकांड का मुख दोषी है, उन्होंने जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए है। उन्होंने मांग की कि उन्होंने असले के लाइसेंस तुरंत रद्द करके असला जब्त किया जाए और मृतक परिवार को 30 लाख रुपए दे सरकारी नौकरी दी जाए। उन्होंने कहा कि जे पंजाब सरकार ने दोषियों जल्द गिरफ्तार ना किया तो दलित युवा दल पूरे पंजाब संघर्ष करने मजबूर होगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी पंजाब सरकार की होगी। अज असी अबोहर कांड विखे जो भीमटांग की बड़ी बेरहमी के नाल हत्या की गई है, तो नाल जिहड़ा उहदा साथी गुरजट सिंह जिसनों उसके हाथ पैर बढ़ के उसनों पंग बना दिता गया है, असी उसके जिहड़े दोषी आ जिहड़ा शिवलाल डोडा और उसका भतीजा अमित डोडा जिन्हां ने उस भीमटांग नूं अपने फार्म हाउस में बुला के उसकी बड़ी बेरहमी नाल हत्या की आ, असी उन्हां दोषियों के खिलाफ अज रोस प्रदर्शन कर रहे हैं। जिहड़ा शिवलाल डोडा और अमित डोडा आ उहदी बादल सरकार दे नाल बादल परिवार दे नाल बहुत ज़्यादा नेड़ता आ, मतलब शराब के ठेकेदार आ और जिहड़ी सरकार आ वह पूरा पूरा शिवलाल डोडा ते अमित डोडा की पूरी पूरी हिमायत कर रही है, उन्होंने बचाने की कोशिश कर रही है। पर असी जो भीमटांग जिहड़ी हत्या की गई आ, चाहे ये दो दलित नौजवानों मतलब नुकसान होया, एक की हत्या हुई है, एक को अपंग किया गया आ, पर इसका जिहड़ा पूरा असर आ वह पूरे समुचे दलित समाज से पै रहा है और जब तक भीमटांग के जिहड़े दोषी आ उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया जाऊगा उदों तक जिहड़ा अंदोलन आ दलित युवा दल पंजाब जिहड़ा अंदोलन आ वह अपना अंदोलन चलाई रखूगा। जेकर जल्द तो जल्द इन्होंने दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो इस तो बाद जिहड़ा दलित युवा दल आ वह जिहड़ा तिखा अंदोलन आ वह चलाऊगा और यह जिहड़ी मूवमेंट आ असी जिले वाइज तो लैके मतलब हल्के वाइज तक पंजाब लैवल तक रही लैके जावांगे। होशियारपुर तो मुकेश बंगड़ की रिपोर्ट, 5 आप टुडे।